नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगी जो एक गैंगस्टर था। वीडियो शुरू करने से पहले आप फटाफट से मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। गैंगस्टर सुखा कहलवा। सुखा कहलवा का पूरा नाम सुखबीर सिंह कहलवा है। इसका ज्यादातर समय करतारपुर के कहलवा गांव में बीता। इसने अपना प्रचलित सरनेम कहलवा अपने गांव के नाम पर ही रखा है। इसके पिता का नाम सुदर्शन सिंह और इसकी माता का नाम हरजिंदर कौर है। इसके माता पिता दोनों ही NRI हैं। सुखा पर 40 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे, जिसमें से 2 हत्या, 7 हत्या के प्रयास और 8 लूट के मामले थे। दोस्तों, सुखा का परिवार अमेरिका में बसा है। सुखा की भी एक रिजॉर्ट मालिक की बेटी के साथ लव मैरिज हुई थी और वो ऑस्ट्रेलिया चला गया था, पर वहाँ पत्नी के साथ विवाद होने की वजह से वो वापस जालंधर आ गया। इसके बाद वो बुरी संगत में पड़ गया और यहीं से एक कुख्यात गैंगस्टर सुखा कहलवा का जन्म हुआ। सुखा की मौत के 6 महीने पहले ही उसके भाई की कपूरथला जेल में मौत हो गई थी। सुखा की मौत के कुछ साल पहले ही उसे प्रधान सुदर्शन ढिल्लो की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था। सुखा किस्मत का धनी था, उसका 4 बार पुलिस से सामना हुआ, लेकिन हर बार वो पुलिस की गोली से बच निकला। जालंधर पुलिस की हिरासत से अक्टूबर 2010 में फरार होने के दौरान भी वो पुलिस की गोली से बचा था। इसके बाद वो 2012 में रोपड़ में पुलिस हिरासत से भाग गया था। राजस्थान पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई तो सुखा का साथी मारा गया, मगर वो पुलिस की गोली से फिर भी बच गया था। सुखा ने यामीन नामक यूपी के गैंगस्टर के साथ मिलकर लाखों का सोना लूटा था। इसी माल के बंटवारे को लेकर यामीन ने सुखा का गला रेत कर उसे यमुना नदी में फेंक दिया, लेकिन इस बार भी सुखा बच गया था। दोस्तों, सुखा को सोशल मीडिया का भी बहुत शौक था। वो फेसबुक पर हमेशा एक्टिव रहता था, जेल में रहने के दौरान भी अपडेट करता रहता था। उसके फैन पेज पर 83,000 फॉलोअर्स हैं। इसी नाम के एक और फैन पेज पर 1,30,000 से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। जब भी वो गन के साथ कोई फोटो पोस्ट करता रहता था तो उसे बहुत लाइक्स मिलते थे। सुखा की हत्या उस समय हुई जब उसे नाभा जेल से निकालकर डिस्ट्रिक्ट जज के सामने पेश करने के लिए ले जाया जा रहा था। दोस्तों, कोई इंसान जन्म से अपराधी नहीं होता, बल्कि समय और हालात उसे अपराधी बना देते हैं। सुखा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। सुखा के नाना परमजीत सिंह बताते हैं कि सुखा भी बाकी लड़कों की तरह सीधा साधा लड़का था। 10वीं कक्षा में पढ़ते समय सुखा भी बाकी युवकों की तरह विदेश जाने के सपने दिल में सजा कर बैठा था। इसी बीच गांव में 2 लोगों की आपसी लड़ाई हुई और उस लड़ाई में सुखा का नाम नाजायज तौर पर लिख दिया गया और पुलिस केस बन गए, और इसी केस के साथ सुखा जुर्म की दुनिया में आगे बढ़ता चला गया। दोस्तों, जालंधर पुलिस ने जब 2015 में सुखा के जिगरी यार दलजीत भाना को गिरफ्तार किया था, तो उस समय भाना ने सुखा की जिंदगी को लेकर कई बड़े खुलासे किए थे, लेकिन सबसे बड़ा खुलासा उसने सुखा की लव मैरिज को लेकर किया। दलजीत भाना ने बताया कि सुखा कहलवा एक लड़की से प्यार करता था और वो लड़की भी सुखा से उतना ही प्यार करती थी। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन लड़की के घर वाले शादी के लिए राजी नहीं थे। इसी वजह से लड़की के घर वालों ने लड़की को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद भी लड़की ने सुखा का पीछा नहीं छोड़ा और वो सुखा को फोन करती रही। ये सब देखने के बाद सुखा के दोस्तों ने लड़की को भारत बुलाया और इनके घर वालों को बताए बिना ही उनकी शादी करवा दी। शादी हो जाने के बाद लड़की के घर वाले भी मान गए। इसके बाद सुखा अपनी पत्नी को लेकर ऑस्ट्रेलिया चला गया था। ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद जब कुछ दिनों तक सब ठीक चलता रहा, लेकिन एक दिन वहां किसी ने सुखा पर चाकू से हमला किया। सुखा को शक था कि जिस व्यक्ति ने उस पर हमला किया है, उसकी पत्नी का उसके साथ अवैध संबंध है। इसी वजह से सुखा अपनी पत्नी को छोड़कर वापस पंजाब आ गया। घर वालों के लाख बोलने के बावजूद वो वापस पत्नी के पास नहीं गया। इस दौरान सुखा लवली बाबा का कत्ल करके फरार हो गया, जिसके बाद वो जुर्म की दुनिया में बढ़ता ही चला गया। अंततः पुलिस कस्टडी में पेशी के दौरान फगवाड़ा के पास गोलियां मारकर सुखा का कत्ल कर दिया गया।
कुख्यात गैंगस्टर सुखा कहलवा की 21 जनवरी 2015 को पुलिस की मौजूदगी में 15 से 20 हमलावरों ने सुखा पर 60 से ज्यादा गोलियां दागकर उसकी निर्मम हत्या कर दी थी। उस दिन पंजाब पुलिस सुखा को नाभा जेल से जालंधर अदालत में पेशी के लिए लेकर गई थी। अदालत में पेशी भुगतने के बाद गैंगस्टर सुखा को वापस नाभा जेल ले जा रहे थे। उस समय सुखा के साथ 2 थानेदार, 3 हवलदार और 2 सिपाही मौजूद थे। फगवाड़ा के जमालपुर गांव के करीब पुलिस वैन जिसमें सुखा कहलवा बैठा हुआ था, उसे फिल्मी स्टाइल में पहुंची 2 फॉर्च्यूनर ने घेर लिया और फॉर्च्यूनर में बैठे गैंगस्टरों ने पुलिस वैन पर धुआंधार फायरिंग करना शुरू कर दिया। इसके बाद 15 गैंगस्टरों की टोली जो कि पिस्टल और डबल बैरल गन से लैस थी, जिन्होंने पुलिस जीप चालक व उनके साथ बैठे थानेदारों और हवलदारों को पिस्टल की नोक पर लिया और पुलिस के हाथों से उनकी गन छीन ली। इसी दौरान अन्य गैंगस्टरों ने सुखा पर एक के बाद एक फायरिंग करके 60 से अधिक फायर दागे, जिससे मौके पर ही सुखा की मौत हो गई थी। सुखा की हत्या के बाद पकड़े गए गैंगस्टरों ने पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर बहुत से खुलासे किए। पहले इन्होंने सुखा को कचहरी की पार्किंग में मारने का प्लान बनाया था, लेकिन कचहरी के रास्ते में ट्रैफिक लाइट और फाटक होने की वजह से इस योजना को टाल दिया गया। इसी वजह से सुखा का कत्ल करने के लिए फगवाड़ा में जगह चुनी गई और 21 जनवरी 2015 को इस हत्या को अंजाम दिया गया। रिकॉर्ड के अनुसार सुखा का कत्ल सुखा ग्रुप द्वारा किए गए 3 हत्याओं का बदला लेने के लिए किया गया था। सुखा के कत्ल के 6 साल पहले सुखा की तरफ से लवली बाबा नाम के एक युवक की हत्या कर दी गई थी। लवली बाबा के कत्ल के बाद इसके समर्थक सुखा से बदला लेना चाहते थे। लवली बाबा की हत्या के बाद कई गैंगवार हुए, पर ये गैंगवार तब भयानक रूप धारण कर ली जब जिम जाते समय दीपांश और सिमरन का कत्ल कर दिया गया था। कहीं ना कहीं ये तीनों कत्ल ही सुखा की मौत का कारण बने और पहले से ही सुखा के खिलाफ चल रहे विक्की गोंडर ने सुखा के कत्ल की साजिश रची थी। दोस्तों, कुछ ऐसी थी सुखा की आखिरी कहानी। कैसी लगी आप सभी को ये वीडियो, मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।